अगर मुझे मैं इतना मेरी बात सुनिए नहीं मैं नहीं जाएगी आप मेरी बात नहीं होती है आप मेरी बात यही जो चौराहा है आज दिन में यहाँ पर अतिक्रमण था एक जगह पे वहाँ हटाया गया था उसी को लेकर कुछ वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया हुआ था तो उसके बाद में जब यहाँ पर कचहरी परिसर में एक मीटिंग होनी थी उसी के दौरान वकीलों और पुलिसकर्मियों में कुछ हाथापाई हुई है और आगे कार्रवाई विधिक की है। अतिक्रमण का मामला था जिसमें कुछ लोग सीनियर एडवोकेट लोग शामिल थे उसमें रेड की गई वहाँ दारू ढेर सारी मिली और अवैध तरीके से सीतापुर पे क्लब पर उनका कब्जा था। उसमें मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग थी तो मैं यहाँ पहले आया था और उसमें लोगों ने हमारे दो सब इंस्पेक्टर के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो अभी सब पूरे मुद्दे पर विचार किया जा रहा है। मेरे पास कुछ लोग आए थे उनका कहना था कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस तरह का उन्होंने अब ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि ज़्यादा तेज़ आवाज़ में लोग बात कर रहे थे। उसके बाद कुछ लोग आए उन्होंने फिर उनको हटाना शुरू किया माफी यारों ने कहा कि उसको थप्पड़ मारने की कोशिश की गई थप्पड़ मारे गए और इन सब चीज़ों पर कार्रवाई हुई। मेरी नाराज़गी सिर्फ इस चीज़ से है कि हमारे सम्मानित अधिवक्ताओं को पहले वहाँ पर रोके रखा गया और उसके बाद उनके मोबाइल ले लिए गए उनको ला करके कोतवाली में बैठा दिया गया। वही पुलिस के बाद करीब दो घंटे तक ये लोग ढाई घंटे तक बैठे रहे हम लोगों को जानकारी हुई हम लोग उन्हें अपने साथ सम्मान यहाँ लेकर आए। बाकी हम लोगों की आज अभी फिर इमरजेंसी बैठक हुई जिसमें कल के लिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय की कार्यशैली के विरोध स्वरूप पुलिस प्रशासन की कार्यशैली के विरोध स्वरूप हम लोगों ने एक दिन का फिलहाल कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया है। कल हमारी 11 बजे बैठक है जिसमें हम अग्रिम रणनीति